बोलो। फोर्टी फर्स्ट बोलो, ठीक है तुम? तुम्हें छुट्टियां वो कर ला। हाँ जी, ठंड लग रही है सर, कल मीन पे आ रहे हैं गांव में, उधर सोने का तो लग रही है। रिकॉर्डिंग पे एक ही है? हाँ वो देख रही बस। ओ यार वो तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी जरूर। मुझे सही ठीक बोलो। The sample of gas gamma is equal to 1.5 is taken through an adiabatic process in which the volume is compressed from 1600 cm cube to 400 cm cube. If the initial pressure is 150 kilopascal, what is the final pressure and how much work is done by the gas in the process? What is the process? गिवन की है गामा और इनिशियल फाइनल वॉल्यूम गिवन, इनिशियल प्रेशर भी गिवन है, फाइनल प्रेशर निकालना है। तो पी वी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट का रिजल्ट याद आना चाहिए था मेनू। तो P1 गामा इज इक्वल टू P2 गामा, तो P2 इज इक्वल टू P1 ओवर P2 रेज टू पावर गामा। हुण पुत्तर देखो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल तो किन्ना वा? 4 times फाइनल वॉल्यूम, सो 1/4 रेज टू पावर 1.5 यस 3/2 इज इक्वल टू, तो फाइनल प्रेशर इनिशियल दा 1/8 है, ठीक है। अच्छा फिर पुत्र ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस ना जिहड़ा वर्क डन है वो किसे बराबर होना? ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन या इस पार बोले तो या इतना, क्योंकि सानू प्रेशर वॉल्यूम दी इनफॉरमेशन पता वा तो इनू रेफर कर लो, क्योंकि आप P2 भी काट चुके हैं, है ना? हो जू? एन थोड़ी है हमारे पास, एन कौन सा? एन लोड बहुत ही तो नहीं सेकंड वाला भी लोड करना होगा, है? सेकंड वाला भी जब एन दिया होगा तब यूज होगा ना? तो खाली यूज करना जो तेन इनफॉरमेशन ही पी मान दी है उसकी थोड़ी लोड़ पड़, वो तो उदो दिता होगा ना। नेक्स्ट बोलो, ये ताले लोड़ नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स है, नेक्स्ट टू मोल्स ऑफ हीलियम गैस गामा इज इक्वल टू 5/3 आर इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्यूपाई 41-42 आज भी ज्यादा है तेरे हो रहा है? नहीं सर, ये 0-2 kg वाला कर दिया तो नॉन आज हमारे 2 मोल्स टू मोल हीलियम गैस गामा 5/3 ऑक्टेट हुई है, यही बोला यही बोल रही है।
42 है 2 मोल्स ऑफ हीलियम है। इधर देखो N2 हो गया हीलियम मतलब मोनोएटॉमिक गैस, तो गामा 5/3। चलो आगे। और इसलिए 27 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर द गैस इज फर्स्ट एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। पहला कांस्टेंट प्रेशर है। यस अंटिल द वॉल्यूम इज डबल्ड। Then it undergoes an adiabatic change until the temperature returns to its initial value. Until temperature returns to T1. वापस वही हो गया है ना? हाँ. Sketch the process in a PV diagram. What is the final volume and pressure, and what is the work done by the unit? देखो उस तो बाद सोचो को तो पहला ना एक्सपेंशन हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब टेम्परेचर फॉल करेगा है ना। तो आइडा पॉइंट है कि प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। देखो उसके बाद P2, V2 ते T2 ये हो गया, पर उस तो बाद फिर एडियाबेटिक प्रोसेस होया। एक गल तो बड़ी क्लियर है, जे मुड़के टेम्परेचर T1 हो गया इट मींस एडियाबेटिक कंप्रेशन है, क्योंकि जे एडियाबेटिक फिर एक्सपेंशन होंगी तो होर टेम्परेचर घट जाना है ना। इसका मतलब की होगी एडियाबेटिक कंप्रेशन, यही बनिया वॉल्यूम घट गया ना। अच्छा हुन जेड़ा फाइनल प्रेशर है वो तो है P3 V3 T1। हुन निकालना की है फाइनल वॉल्यूम तो आता P1 ही रहना। जेड़ा आइसोबारिक एक्सपेंशन हुई है उच्च वॉल्यूम की है पुत्र डबल होगा, डबल है तो V2 2V1 है, ये गिवन है सर। तो फिर टेम्परेचर ऑफ हो, तो टेम्परेचर T2 आ जाएगा, ऑफ हो जाएगा T1। हाँ तो आ देखियो टेम्परेचर नहीं हाँ ओके गल सुनियो पहला एक मिनट, प्रेशर कांस्टेंट है ना पुत्र इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ ठीक है V/2 वो डबल है तो फिर टेम्परेचर भी PV=nRT होता ना V/T कांस्टेंट है ना, गैस ला नहीं आता पुत्र जो वॉल्यूम डबल होया सर बी ऊपर P1 ना P2 हो जाएगा की बी ऊपर कांस्टेंट प्रेशर है ना अच्छा पी इस करके P2 P1 नहीं है ऐसे T2 लिख लो बट ना इधर ले लो P2=P1। और आइसोबारिक प्रोसेस V/T कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम डबल हो जाता टेंपरेचर भी डबल ही हो जाता ना, इट मींस जो टेंपरेचर डबल हो जाता T2=2T1। अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਸੀ ਬਣੇਗਾ P3 V3। ਹੁਣ ਆ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਹੈ
प्रेशर दिता तो कुछ वैल्यू इशू वॉल्यूम कितना हां कोई गल नहीं उसे निकल आना हां बोलो ये जो P3V3T वाला हां वापस आ गया ना नहीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना देखियो हुन इथे ए और बी दे विच आपा लगावांगे V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 है ना और V1 दिता वा तो V2 भी पता लग चुका तो V2 भी पता लग गया T2 भी पता लग गया V1 भी पता हुआ T1 भी पता हुआ इसका मतलब प्रेशर भी पता लग सकता नंबर ऑफ मोल्स देते हैं 2 एंड भी देता तो हम इथे P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 इथे P2 V2 आजू इथे नहीं लाना ये आइसोबारिक है ये एडियाबेटिक नहीं है इथे लगना तो P2 भी निकल आएगा P1 भी निकल आया क्योंकि तो आपको B1 भी पता है T1 भी पता है N भी पता तो P1 निकल आया और T2 भी पता लग चुका है V2 भी पता लग चुका तो P2 भी निकल आया है ना अच्छा हुन क्योंकि T2 T1 पता हुआ तो तुसी P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा तो P3 भी निकल आओ कि नहीं नहीं क्योंकि V3 भी नहीं पता इधर हम कोई गल नहीं हमने कोई और ऑप्शन है एडियाबेटिक भी T V रेस्टू मतलब T2 V2 गामा माइनस वन इज इक्वल टू T1 V3 ये नो करो यूज तो इतनो पहला V3 कट सकते हैं तुसी उस V3 में इतने पुट कर दे हो तो P3 भी है रिलेट करी जो और की करना सी है क्या टोटल वर्क टाइम देखो टोटल वर्क टाइम है तो एक है पहला वर्क टाइम आइसोबारिक दा दूसरा है एडियाबेटिक दा आइसोबारिक हुंदा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम एडियाबेटिक का वर्क डन होता पुत्र देखो nr हॉट एरेज ध्यान रखियो हॉट एरेज इनिशियल टेंपरेचर और फाइनल हो जू Four mole of an ideal gas having gamma is equal to 1.67 are mixed with 2 mole of another ideal gas having gamma is equal to 1.4. Find equivalent value of gamma for the mixture. हाँ, देखो बेटा हम. हाँ सुनो, बड़ा important concept है, याद रखो. नोट करो जेडी मोनोटॉमिक गैस है ना इधर ले गामा की वैल्यू जेडी है वो 5/3 है मतलब 1.67 और सीपी की वैल्यू
5 by 2 R CV की वैल्यू 3/5 तो जी डाइटोमिक है ना गामा की वैल्यू 7/5 मतलब 1.4 है तो सीपी की वैल्यू 7/2 R तो सीवी की वैल्यू 5/2 R है तो देखो नोट करो ये दोनों गैसेस जो पहली मोनोएटॉमिक है दूजी अच्छा हम इधर देखो जिहड़ा जो आप दो गैसेस नू मिक्स करते हैं तो जे मैनू कोई कहे ना कि मिक्सचर का सीवी कटो तो N1 जे मैनू कोई कहे सीपी मिक्सचर का कटो तो मैं जेड़ा सीवी मिक्सचर कटे है ना उहदे च प्लस आर कर देना अच्छा क्योंकि सीपी माइनस सीवी आर होंदा ना इहदा मतलब है मैं गामा मिक्सचर कितना लेना पुत्र CP mixture divided by ठीक है आजू आंसर तुम N1 N2 दिते हुए है ना नंबर ऑफ मोल्स वो पुट करो पहला CV mixture कर लो फिर CP mixture कर लियो फिर गामा mixture कर लियो आंसर और बोलो एन आइडियल गैस एट प्रेशर 2.5 × 10⁵ पास्कल एंड टेंपरेचर 300 केल्विन ऑक्यूपाइज 100 सीसी इट इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम Calculate the final pressure, the final temperature, and the work done by the gas in the process. Gamma is equal to 1.5. मिला था ये हो जाना चाहिए था क्योंकि तो 1.5 के लिए फिर 3/2 gamma है 3/2 gamma three वैसे भी रहते हैं इसमें diatomic monatomic नहीं ये वैसे ही मिक्सचर हो सकता है ना जनरल हो जाएगा है ना ये तो एडियाबेटिक वाला तो आपां कीता होया होनी भी वर्क डन भी पता लग गया तुहानू अगे बोलो द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ नंबर केड़ा सी क्वेश्चन नंबर हम बोल रहे हैं 45 द इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस सीपी बाय सीवी इक्वल टू गामा आर वी नॉट एंड पी नॉट The gas can exchange heat with the surrounding. It is slowly compressed to volume V0/2 and then suddenly compressed to V0/4. Find the final pressure. If the gas is suddenly compressed from volume V to V0/2 and then slowly compressed to V0/4, what will be the final pressure? देखो बतौर एक गाल नोट कर लो जिथे ना स्लोली वर्ड आ गया स्लोली ओदा मतलब ये आइसोथर्मल है क्योंकि हीट नु सफिशिएंट टाइम मिल रहा एक्सचेंज होने दा ते जिथे आ गया अब्रप्टली सडनली उथे एडियाबेटिक प्रोसेस है ये गल्ला नोट होने चाहिए सानू ना ठीक है तो अपन ग्राफ तो चलते हैं इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम द गैस कैन एक्सचेंज हीट विद द surrounding it is slowly compressed to volume V0/2 to jado slowly compressed hai to volume V0/2
तो इस केस दे विच इत्थों आपां नूं थोड़ा जिहा बदलाव करना पैना, क्योंकि कंप्रेशन है ना, स्लोली कंप्रेस्ड। एंड देन सडनली कंप्रेस्ड टू वी नॉट बाय 4। ए आइसोथर्मल और ए एडियाबेटिक। हुण एक गल सुनो पकड़ी हो, देखो जेड़ा ध्यान दे, जेड़ी गैस है ना, अगर आपां उहदा पीवी ग्राफ बनाने हैं तो किसी भी ग्राफ की जिहड़ी स्लोप है, जे वह पीवी ग्राफ है तो वह स्लोप होएगी डीपी बाय डीवी। तां कि याद रखना कि डीपी बाय डीवी का मतलब है स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, टेंजेंट की स्लोप बराबर। तो यह जिहड़ी एडियाबेटिक ग्राफ होंदा ना, उहदी स्लोप हमेशा गामा टाइम्स का स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ होंगे, ये रिजल्ट है। तो एडियाबेटिक ग्राफ की जिहड़ी पीवी डायग्राम है वो आइसोथर्मल नालों उहदी स्लोप हमेशा ज्यादा होगी, क्यों? गामा टाइम्स है ना, गामा एक नंबर है सीपी ओवर सीवी जो हमेशा एक तो वड्डा हो। तो ये याद रखना। अच्छा, लगते हाथ ये भी याद रख लो कि अगर मैनू कोई कहे, क्योंकि ये टॉपिक था इलास्टिसिटी वाला, कि अगर मैं कोई कहे कि गैस का बल्क मॉडुलस कटो, पर कदों जदों आपां गैस का बल्क मॉडुलस कटना वा, गैस का बल्क मॉडुलस कटना आइसोथर्मल प्रोसेस च, तां ओह प्रेशर दे बराबर होंदा, ते बल्क मॉडुलस ऑफ गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस अगर कटना पै जाए ਉਹ ਗਾਮਾ ਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਟਿਪਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। इधर ले P not V not is equal to P1 V not by 2 है, और इधर ले P1 V not by 2 raised to power gamma is equal to P2 V not by 4 raised to power gamma। तो क्या adiabatic concept है ये आइसोथर्मल। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਨੋਟ ਵੀ ਨੋਟ ਪੀ ਵਨ ਪੀ ਵਨ ਪੀ ਵਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟੂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਵੀ ਨੋਟ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਨੋਟ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, तो साढ़े को आ गया P not over 2 raised to power gamma is equal to है ना।
गैस नो पहला आइसोथर्मली कंप्रेस किया फिर एडियाबेटिकली तो उसका फाइनल प्रेशर इधर बराबर आ गया इधर दूसरे पार्ट च की किया उल्ट नहीं किया दूसरे पार्ट च पहला वो आप ग्राफ में वही चला लगा तो दूसरा आइसोथर्मल तो इस केस पे हम मान जाना उत्तर पी नॉट वी नॉट रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू पी वन वी नॉट बाय टू रेस टू पावर गामा और फिर आइसोथर्मल पी वन वी नॉट बाय टू इज इक्वल टू पी टू मल्टीप्लाई करके फिर वही गल रेशियो कटिंग से अपना फाइनल प्रेशर दी 1:1 आ गई Two samples A and B of the same gas have equal volumes and pressures. The gas in sample A is expanded isothermally to double its volume, and the gas in B is expanded adiabatically to double its volume. If the work done by the gas is the same for the two cases, show that gamma satisfies the equation. 1 minus 2, 2 raised to power 1 minus gamma. दो गैसेस है A और B. दोनों में इनिशियल की है. वॉल्यूम और प्रेशर इक्वल. प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल है. फिर केड़ा प्रोसेस होया? H. A के अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंड. आइसोथर्मल. तो कब तक होया? वॉल्यूम डबल. वी डैश टू वी तो वर्क डन करना कि वर्क डन दोनों दे सेम है और आइसोथर्मल दे विच वर्क डन होता पुत्र एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन तो आ वर्क डन आइसोथर्मल आ गया एन आर टी तो लॉग टू हो गया अच्छा दूसरी तरफ जी बी है ओदे च केड़ा होया प्रोसेस एरिया ओच भी वॉल्यूम डबल है हुन
इधर चुवार के टाइम होएगा वन ओवर नेचर ऑफ गैस दिसी है नहीं सर उसमें भी कोई इसमें भी गामा है कोई गलत तो पी वन बी वन माइनस पी टू बी ठीक है तो एन आर टी नु अपन ना पी भी लिख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर ना सेम ही रहना ना थ्रू आउट तो P is equal to N R T इतने जो शुरू जो टेम्परेचर T है फाइनल T डैश हो जाना पता है ना होने P डैश V डैश गामा is equal to P V raised to power गामा है ना तो P डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी P V तो V डैश टू की डबल है PV माइनस P डैश की वैल्यू P है जबकि V डैश की वैल्यू टू ही है तो PV वन माइनस वन ओवर टू माइनस ये आइडिया बैठे वर्क डन आ गया और ये दोनों वर्क डन सेम देते हैं ना गिवन है आप नहीं ले जा स्टेटमेंट तो क्या रिलेशन निकालना सी देखो आ गया ना छुट्टी है फिजिक्स केमिस्ट्री चलो ठीक है चार पांच का ठीक है फिजिक्स का टी रख दे फिजिक्स नहीं सर ठीक है हमारा म्यूजिक का पेपर आया भी है सर जगह का म्यूजिक नहीं आ रहा वो पांच छुट्टी हो नेक्स्ट देखो Three samples A, B and C of the same gas gamma equal to 1.5 have equal volumes and temperatures. The volume of each sample is doubled. The process being isothermal for A, adiabatic for B and isobaric for C. The final pressures are equal for the three samples. Find the ratio of the initial pressures. Tin samples hai. शुरू चलो
टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो मोल्स डिफरेंट होगा। वो अच्छा वॉल्यूम द टेम्परेचर एक फिर वॉल्यूम डबल हुई है सर। वॉल्यूम डबल हो गई। एक दी आइसो आइसोथर्मल आइसोबैरिक ते एडियाबेटिक। ठीक है पर फाइनल प्रेशर निकालनी है। फाइनल प्रेशर इक्वल है, फाइनल प्रेशर इक्वल है और इनिशियल प्रेशर की रेशियो। हां मतलब हम देखो उत्तर देखो जेना सैंपल ए है पी वन वी टी पी टू वी टी पी थ्री वी टी मतलब इनिशियल प्रेशर अलग अलग है तिना दे वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है और पहला प्रोसेस आइसोबारिक है एज थर्मल है ना और वॉल्यूम कितना हो गया इसका और दूसरा आइसोबारिक एडियाबेटिक तीसरा आइसोबारिक प्रेशर फाइनल कितना दे सेम है ना और इस केस च P1V1 इज इक्वल टू P2V2 आइसोथर्मल है ना तो P1 आ गया 2P एक एडियाबेटिक है तो इसे चाहेगा और आइसोबारिक का एक मीन्स P3 का P दे बराबर है तो रेशियो भी आ गई 1:2 / γ/2 आई बनेगी रेशियो। An ideal gas having density 1.7 × 10⁻³ g/cm³ at a pressure 1.5 × 10⁵ pascal is filled in Kund tube when the gas is resonated at a frequency of 3 kHz. Nodes are formed at a separation of 6 cm. Calculate the molar heat capacity Cp and Cv of the gas. हम देखो उत्तरेज जिनी कुंड्स ट्यूब है इधे अंदर ना स्टैंडिंग वेव्स बन रही तो ये जिनियां स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं वो समझ गए तुसी नोड्स वर्ड आ गया ना इच तो ये स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं साउंड वेव्स दे सुपरपोजिशन करके मिलन करके तो हूँ थानू इस ट्यूब च साउंड वेव दी फ्रीक्वेंसी दिती है एक्चुअली थानू फ्रीक्वेंसी दिती है दिती है नोड्स बन रही हैं और गल नू सुनो याद रखो जेडी स्टैंडिंग वेव बनना इहदा मतलब इत्थे वेव है केड़ी वेव है तो याद रखो कुंड्स ट्यूब लाइक ए ऑर्गन पाइप है तो इहदे अंदर साउंड वेव ट्रैवल करती है तो इट मीन्स थानू फ्रीक्वेंसी दिती है नोट कर लो थानू दो
नोड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡਾ ਬਾਈ 2 ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੋ ਲੈਂਡਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਡਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਮਾ ਪੀ ਬਾਏ ਰੋ ਹੁਣ ਐਸਟੀਪੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਨਟੀਪੀ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੋ ਗਾਮਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਮਾ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਪੀ ਓਵਰ ਸੀਵੀ ਤੇ ਜਦਕਿ ਸੀਪੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਸੀਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹਨਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ A hot body placed in air is cooled down according to Newton's law of cooling. The rate of decrease of the temperature being k times the temperature difference from the surrounding, starting from t equal to zero. Find the time in which the body will lose half the maximum heat it can lose. Dekho. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो डी क्यू बाय डी टी है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विद टाइम जे तो लॉस ऑफ हीट विद टाइम है रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉस ऑफ हीट फिर आप लिख देना माइनस जे गेन है तो प्लस लिख देंगे और ये किदे बराबर होंगे क्योंकि डी क्यू होंगे एम सी डी थीटा इसका मतलब डी क्यू बाय डी टी की है माइनस एम सी डी थीटा बाय डी टी है ना रेट ऑफ कूलिंग है इसलिए माइनस कर रहा हूँ हाँ हीटिंग जो प्लस है ना ਤੇ d थीटा बाय dt ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ dq बाय dt ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ d थीटा बाय dt ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ d थीटा बाय dt ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ k ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਲੌਗ 2 ਬਾਈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯੈਸ ਸਰ ਤੋਂ ਉਹ
वही सेम चीज इतनी है। तो इस केस दे विच जिना टेम्परेचर है ना वो फॉल कर रहा, तो टेम्परेचर दे फॉल करने का मतलब बॉडी का हीट लॉस हो रहा। तो उन्हें पूछा भी किन्ने टाइम च बॉडी की हीट जी है वो अद्धी रह जाएगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अद्धा रह जाएगा, हाफ लाइफ, हीट लॉस अद्धा हो जाएगा, अद्धा रह जाएगा, हाफ लाइफ। तो इट मीन इस तरह का आप टाइम कटना जिन्ने टाइम च हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कटनी आप, हाफ लाइफ होंगी है लॉग 2/2।